हाय फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं फिक्स दैट रश का एक नया एपिसोड। आप देख सकते हैं सारे बिल्डर्स फ्री हैं, लैब भी फ्री है, बहुत काम है आज गाइज, लिटरली बहुत सारा काम है। आई डोंट थिंक कि मैं सारे बिल्डर्स को बिजी करवा पाऊंगा, रिसोर्सेस है मेरे पास थोड़े बहुत, कुछ फार्मिंग भी करेंगे और फिगर आउट करेंगे कि कौन सी चीज़ों को अपग्रेड करना है। अभी फिलहाल के लिए कुछ सोच नहीं रखा है मैंने, पहले फार्म करते उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी चीज़ों को अपग्रेड करना ज़्यादा अच्छा होगा। और गाइज, अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि रोज के क्लैश ऑफ क्लैंस से कंटेंट्स मिलते हैं आपको इस चैनल पे। और चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जरूर करो। रिपब्लिक डे को मैं विनर डिक्लेयर करूंगा तो हो सकता है कि आप हो लकी विनर। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं देख रहा था कि मेरे पास एक बुक ऑफ हीरो है, बट मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बुक ऑफ हीरो है और अभी मेरे पास डार्क एलिक्सिर भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले कुछ फार्मिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इतना रिसोर्स हम कलेक्ट कर पाते हैं, उस हिसाब से अपने जो अपग्रेड से वो प्लान करेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने कुछ प्लान करा नहीं है, बट एक चीज़ मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एटलीस्ट मैं 3 बिल्डर्स बिजी करवा दूँ लैब के साथ। सारे बिल्डर्स अगर मैं ना भी करवा पाऊँ, अगर कलेक्टर्स मेरे कुछ अपग्रेड होने बाकी हैं या फिर ट्रैप्स वगैरह हैं तो उनके बारे में मैं सोचूंगा। फिलहाल गाइस, इस वाले बेस पे बहुत सही लूट है, सच बताऊं तो डिसेंट है, मतलब एक ओवरऑल पैकेज के हिसाब से है, तो इस बेस पे हम ज़रूर अटैक करेंगे। उसके पहले मैं देखना चाहता हूं कि कौन से साइड को ज़्यादा लूट अवेलेबल है। यहां पे कुछ कलेक्टर्स हैं जहां पे अच्छे खासे लूट हैं, हीरो सेंट्रलाइज्ड हैं, मल्टी इन्फर्नो टार्स भी हैं, तो थोड़ा दिक्कत होगा अटैक करने में क्योंकि मल्टी इन्फर्नो टार्स के सामने जो हमारे माइनर्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। व्हाट द हेल गाइस, ये क्या है, किसने मेरे को बलून्स दिए, मैंने जायंट रिक्वेस्ट किए थे। ओ यार, हद है यार। ओह हो, चलो कोई नहीं, अब जो मिला उसी से गुजारा करना है। तो बलून्स को मैंने थोड़ा हील और रेज किया है ताकि मरने से पहले एटलीस्ट कुछ डिफेंसेस को क्लियर करें। कुछ किए भी हैं डिफेंसेस क्लियर, बट उसके वजह से मेरे को कुछ स्पेल्स को यूज़ करना पड़ा, दिट इज़ नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया था, मैंने जायंट रिक्वेस्ट किया था, बट किसी ने शायद गलती से भी दे सकते हैं। अब चलो कोई नहीं, जो है इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अटैक कुछ अच्छा खासा नहीं रहा, क्वीन की एबिलिटी ऑलमोस्ट, क्वीन मरते मरते बच गई। चलो ठीक है, यहाँ पे अपने बाकी सारे माइनर्स मैंने ड्रॉप कर दिया। अभी गाइज, एक अच्छी बात ये हो रही है कि माइनर्स का एक इवेंट चल रहा है और उसकी वजह से माइनर्स जो है उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एलिक्सिर जल्दी जल्दी गेन कर पा रहा हूँ यूजिंग माइनर्स, क्योंकि मैं माइनर अटैक ही ज़्यादा करता हूँ इस वाले बेस से, तो वो एक फ़ायदा हो रहा है मेरे लिए। बट ओवरऑल मैं बताऊँ तो माइनर्स अच्छे हैं फार्मिंग के लिए, नॉट बैड, बट मल्टी इन्फर्नो के सामने दे रियली सक्स, सच बता रहा हूँ, मल्टी इन्फर्नो के सामने उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। बट फिर भी ठीक है, इस केस में तो हमें शायद टाउन हॉल मिल जाएगा और लूट जो है वो भी डिसेंट मिला, इतना बुरा नहीं है। बट अभी भी ढेरों गोल्ड और बहुत सारा डार्क एलिक्सिर अभी भी बचा हुआ है। आई गेस कि इस ड्रिल में थोड़ा सा डार्क एलिक्सिर है, आई डोंट थिंक कि मेरे को मिल पाएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कुछ काम करूंगा यहाँ पे। आई होप कि मेरे जो सेंटर में माइनर्स हैं वो एटलीस्ट, शायद मैं ज़्यादा बोलिए, मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट इन्फर्नो को टेक डाउन कर ले तो, बट ये तो पॉसिबल कतई नहीं हुआ। वो मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मिनियन शायद ये डार्क एलिक्सिर ड्रिल निकाल देगा, बट ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। और सच बताऊं तो ये अटैक से मैं खुश नहीं हूँ, रिसोर्स अच्छा नहीं मिला हमें, बट फिर भी ठीक है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो पता नहीं मेरे को किसने ऐसा गलत ट्रूप दे दिया था, ग्राउंड पॉइजन में मांगता हूँ, जायंट्स यूजुअली मेरे को जायंट्स मिलते हैं, बट इस बारी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। बट कोई बात नहीं गाइस, हम लोग एक काम करेंगे, मैं एक काम करूँगा यहाँ पे पॉइजन को रिमूव करके, यहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट आर्मी ट्रेन करूँगा और कुछ और फार्मिंग करेंगे। वैसे अभी तो मेरे हीरोज़ जो है वो इंजर्ड है, तो मैं हीरोज़ को विदाउट हीरोज़ तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए, जैसे मेरे वापस हो जाए, मैं आर्मी वगैरह रेडी हो जाती है, मैं वापस आता हूँ और उसके बाद सेकेंड अटैक में चलेंगे और देखते हैं उसमें कितना रिसोर्स हमें मिल पाता है। सो वेलकम बैक गाइज, आर्मी रेडी हो चुकी है, चलते हैं फिर से एक अटैक में और होप श्योर कि लास्ट टाइम जो हमने गलती करी थी उसको सुधारेंगे और इस बार हम थोड़ा सा ज़्यादा लूट गेन करेंगे। सबसे पहले जो काम होगा वो है डिसेंट लूट सर्च करना, और डिसेंट लूट सर्च करना गाइस, सच बता रहा हूँ, एक चैलेंजिंग बात हो रही है मेरे लिए, क्योंकि ये वाला जो अकाउंट है वो अब धीरे धीरे मास्टर लीग तक पहुँच गया है, और सच बताऊँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, हम हमेशा डेड बेस नहीं मिल पाता, और कभी कभी ऐसे बेसिस भी मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव, मतलब स्ट्रेटजिकली डिफेंसिव डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें भी अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, बट सर्च करना बहुत ज़्यादा होता है। तो अब वीडियो रिकॉर्ड करते के दौरान तो मैं ज़्यादा सर्च नहीं कर सकता क्योंकि वो भी अनॉइंग लगता है, बट फिर भी देखते हैं। तो गाइस, जैसे मेरे को एक डिसेंट सा लूट मिल जाता है, मैं अभी थोड़ी ये जो क्लाउडिंग है या फिर ये भी जो भी है मैं इसे स्किप करता हूं, और जैसे मेरे को तो मैं ऐसे सोच रहा था कि जैसे मेरे को मिल जाएगा वैसे मैं वापस आऊँगा, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या एलिक्सिर है यहाँ पे, खतरनाक वाली, और मेरे को लैब में ट्रूप अपग्रेड करना है तो ऑब्वियसली मैं इसके बेस पर ज़रूर अटैक करूँगा। तो चलिए लेट्स गो, और इस बार मैंने कोई गलती नहीं करी, मतलब इस बार मैं जायंट्स लेके आया हूँ तो वहाँ पे कोई गलती मेरी तरफ से नहीं हुई है क्योंकि मैंने खुद से डोनेशन लिया हुआ है। सो लेट्स गो गाइज,
इस बेस पे हम लोग अटैक करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग क्या करें? ओके चलो फिगर आउट कर लिया मैंने, यहाँ पे जायंट्स को ड्रॉप करना है अपने जायंट्स एंड सीसी के जायंट्स। ओके अच्छे खासे टैंक करेंगे, पीछे से कुछ विजर्ड्स हैं मेरे पास, किंग एंड क्वीन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और एक बेबी ड्रैगन है। मैं ऐसा जगह ड्रॉप करूंगा जहाँ पे अच्छा वैल्यू मिले, यहाँ पे ये गियर्ड अप कैनन को निकालेगा। ओके सीसी से आर्चर्स वगैरह निकले हैं, एक जायंट निकला है, पता नहीं क्या क्या निकल रहे हैं। ओके 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 तो यहाँ पे एक जायंट है, तो जायंट को एक पॉइजन करता हूँ। ओके और ये हीलर को यहाँ पे पॉइजन करते हैं। ओके फाइन, तो अरे यार मेरे विजर्ड्स कहाँ गए, मेरे विजर्ड्स पता नहीं कहीं गुम हो गए। यहाँ पे दो तीन माइनर्स मैं ड्रॉप करता हूँ ताकि आर्चर क्वीन को यहाँ पे निकाला जाए। अरे यार साइड के जायंट्स भी बाहर, उस साइड के जायंट्स भी अंदर, माइनर्स भी कितने बेवकूफ हैं, यहाँ पे ट्रैश बिल्डिंग को टेक आउट कर रहे हैं जबकि क्वीन मार रही है। अरे द हेल यार, चलो अब यहाँ से ड्रॉप करते हैं अपने माइनर्स को, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्वीन की एबिलिटी पॉप अप कर लेता हूँ मैं पहले से ही और सारे माइनर्स को ड्रॉप कर दिया। अभी हमारे पास स्पेल्स तो ढेरों हैं, बट होप कि मेरे माइनर्स सर्वाइव कर जाएं और मेरे को लूट डिसेंट प्रोवाइड करवाएं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट हील मैं करता हूँ और अंदर जा रहे हैं मेरे माइनर्स, जो कि अच्छी अच्छी बात है, नॉट दैट बैड। थोड़ा और अंदर जाए तो मैं रेज करूँगा यहाँ पे। ओके फाइन, सो यहाँ पे एक हील और, क्योंकि विजर्ड टावर स्प्लैश में डैमेज कर रहा है और इन्फर्नो का डैमेज तो है ही है। यहाँ पे एक मिनियन है तो ड्रॉप कर देते हैं। ओके अभी अटैक तो है जो चल रहा है वो इतना बुरा नहीं चल रहा, बट इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है क्योंकि 3 स्टार्स मुश्किल है, बट लूट मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। और सारे सेंटर में फनल हो गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये है कि सारे सेंटर में फनल होने की वजह से इन्फर्नो टार के सामने थोड़े वीक से साबित होंगे शायद मेरे ख्याल से। ओके तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक हील और ड्रॉप करता हूँ। इतने पता नहीं डैमेज इतना कम है माइनर्स का कि एक स्टोरेज निकालने में उन्हें कम से कम 10 सेकेंड लगता है, मैं जितना नोटिस करता हूँ। पता नहीं कितने स्लो क्यों हैं, स्लो तो नहीं है, मतलब उनकी मूवमेंट तो अच्छी खासी फास्ट है। हाल ही में नहीं, अब तो महीने हो गए, अपडेट आया था जिसमें माइनर्स का जो मूवमेंट स्पीड है उसे इंक्रीज़ किया गया था, बट फिर भी अभी भी मेरे को लगता है कि उसका डैमेज जो है वो थोड़ा सा कम है। बट चलो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा एक बंच है माइनर्स का, तो सारे एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। अब मेरे लिए शायद कुछ अच्छी खबर हो, क्योंकि और ये किंग को मारने में बिजी है और तब तक विजर्ड टार जो है वो माइनर्स की अच्छी खासी खबर ले रहा है। कबाड़ा कर दिया यार, सच में हद है यार। मेरे को लग रहा है माइनर्स दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं, बट पता नहीं यार, ऐसी मेरी थॉट है, पता नहीं। जब मैं इस अकाउंट से अटैक करता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है, बट जब मैं मेन अकाउंट से अटैक करता हूँ तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ओपी है। चलो नेक्स्ट अटैक में मूव करेंगे। सबसे पहले मैं और ट्रूप्स ट्रेन करने के लिए डाल देता हूँ और एक अटैक और करेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, कितने जिम्स लग रहे हैं एक बार चेक करता हूँ मैं। ओके यहाँ पे एक पॉइजन चाहिए मेरे को, तो एक पॉइजन को आगे कर देते हैं। फाइन एक पॉइजन और, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। हीरोज को 2 मिनट यहाँ पे शो कर रहा है, बट यहाँ पे जेम्स के ओके सो जैसे मेरी आर्मी रेडी हो तो मैं वापस आता हूँ, क्योंकि अभी सीसी भी रिक्वेस्ट करना है और हीरोज को भी रीजेनरेट होना है, तो बस 2 मिनट लगेंगे वापस आते हैं। सो वेलकम बैक गाइज, और लास्ट एंड द फाइनल अटैक ऑफ दिस एपिसोड। तो आर्मी रेडी हो चुकी है, चलते हैं फटाफट अटैक पे और देखते हैं कि कैसा हमें बेस मिलता है। और सच बताओ तो 2 अटैक बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया मेरे हिसाब से, बट ये फाइनल है तो अगर सब कुछ अच्छे से एंड हो तो ज़्यादा सही होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं कब तक मेरे को एक डिसेंट सा बेस मिल जाता है। ओके फाइन, अभी ये वाले बेस में से इतना अच्छा लूट नहीं मिल रहा, लूट मिलना थोड़ा स्ट्रगल जैसे मैंने बताया, क्योंकि जो लीग है वो हाई हो गई है और लीग हाई होने की वजह से होता क्या है, आपको एक्टिव बेसिस मिलते हैं ना कि इनएक्टिव बेसिस, और इनएक्टिव बेसिस में जो लूट है वो बहुत सही होता है। एक तो कलेक्टर के लूट ऊपर से, ओके पहले मेरे को लग रहा था जब मैंने ये सर्च किया कि बहुत अच्छा लूट है, बट फिर जब मैंने देखा टाउन 11 भी था उसी के साथ, लूट जो था वो भी इतना इम्प्रेसिव नहीं था। यहाँ पे गोल्ड जो है वो ठीक है, एलिक्सिर और डार्क एलिक्सिर थोड़ा सा कम है, बट ये ना 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 ना, थोड़े से स्किप करते हैं, एक दो बेस और सर्च करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। इसमें गोल्ड थोड़ा सा कम था, ओवरऑल ऐसा ही होता है यार, हमेशा ऐसा आपको नहीं मिलता, कभी कभी गोल्ड कम, कभी थोड़ा एलिक्सिर कम, कभी ये कम, कभी वो कम, कभी ये ज़्यादा, कभी वो ज़्यादा, मिला जुला के कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अटैक करूँ या ना करूँ, और इसी कश्मकश में स्किप कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्किप तो कर देता हूँ, अफसोस भी होता है कि भाई स्किप कर दिया, और बाद में एक ऐसा बेस मिल जाता है जिसको देख के लगता है कि भाई अच्छा हुआ स्किप किया। ये किसके साथ होता है मेरे को एक बार ज़रूर बताना कमेंट्स में, मेरे ख्याल से बहुत लोगों के साथ होता हुआ ये, और आप देख सकते हैं जैसे कि मैं बता रहा था कि ऐसा बहुत बार होता है आप स्किप करते हो और उसके बाद आपको बहुत खुशी मिलती है कि अच्छा हुआ मैंने स्किप किया था। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई क्यों स्किप किया यार, बेस नहीं मिल रहा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइज, इस बार मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। लास्ट 2-3 अटैक्स मैंने इतने अच्छे नहीं किए, इस बार मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं लूट गेन करूं यहाँ पे, ठीक है।
बहुत ही शान से अटैक करूंगा मैं इस बार, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन ड्रॉप करूंगा, आराम से फनल जो है वो क्रिएट होने दूंगा। यहाँ पे अपने जायंट्स, अपने सीसी के जायंट्स, दो विजर्ड, ज़्यादा नहीं, आराम से धीरे धीरे दो विजर्ड यहाँ पे ड्रॉप करे मैंने। ये वॉल का लेयर जो है वो जैसे ओपन होगा उसके बाद मैं अपना किंग ड्रॉप करूंगा। बेबी ड्रैगन तो गया क्योंकि एयर डिफेंस के रेंज में आ गया। ओके, वॉल का वॉल ओपन हो गया तो यहाँ पे किंग एंड क्वीन भी ड्रॉप कर दिया और दो बाकी के जो दो विजर्ड थे वो भी ड्रॉप कर दिया। किंग बाहर की तरफ चला गया, ये एक छोटा सा सेटबैक है बट फिर भी इसे हम झेल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक रेज करते हैं, क्यों, क्योंकि क्वीन, अरे यार शेट शेट, फिर से शायद गलती हो रही है मेरे से। ओके, यहाँ पे एक हील करेंगे क्योंकि जायंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज सोक कर रहे थे। अब चलिए, अब इस साइड से मैं माइनर्स को ड्रॉप कर रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे साथ पता है, मेरे जो विजर्ड्स हैं वो कुछ काम के नहीं आ रहे हैं और वहीं पे मैं ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। बट एक अच्छी बात इस बेस में ये है कि इसके जो इन्फर्नो टार्स हैं वो दोनों सिंगल पे हैं, तो वहाँ पे मेरे को हील करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ विजर्ड टार्स के सामने या फिर बहुत सारे जायंट बम्स एक साथ एक्सप्लोड हो तो वहाँ पे मेरे को हील करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक तो फिलहाल मैं सही जा रहा हूँ, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे माइनर्स के जो हेल्थ है वो काफ़ी कम हो चुके हैं, तो मेरे को यहाँ पे एक डेफिनेटली मेरे को एक हील की ज़रूरत पड़ेगी और एक रेज यहाँ पे, क्योंकि सेंटर में बहुत सारे ट्रूप्स हैं मेरे पास, बहुत बहुत सारे ढेरों हैं। ओके फाइन, तो यार पता नहीं, शिट मैन, इस बार भी लग रहा है कि अटैक जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आई एम वरीड अ लिटिल। चलो कोई नहीं, अब कर भी क्या सकते हैं, यहाँ पे एक मिनियन है जो ड्रॉप कर दूंगा। ओके फाइन, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये वाला भी, कुछ सही नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, आई डोंट हैव एनी क्ल्यू। आई होप मैं कुछ मिस्टेक्स तो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मिस्टेक्स नहीं कर रहा हूँ मैं, बट फिर भी बार बार अटैक्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। ये वाला अटैक जो है वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लूट मेरे को डिसेंट मिला, मैं उसके ऊपर शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट पता नहीं मेरे अटैक्स में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। विजर्ड्स मेरे कुछ काम नहीं आए, यहाँ पे डबल जी बी था, जायंट्स को मैंने हील किया, एक रेज भी दिया था, शायद मैंने ज़्यादा स्पेल्स यूज़ कर दिए थे, वो भी एक इशू हो सकता है। बट ओवरऑल मैं बात करूँ तो अटैक्स कुछ खास नहीं गए आज के, जितने भी अटैक्स मैंने किए काफ़ी लेट डाउन किया, बट चलो ठीक है, ओवरऑल जो लूट है वो डिसेंट है, लूट तो मिल रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी अटैक अगर अच्छा जाता है तो और ज़्यादा खुशी होती है। बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक मिनियन जो है वो अपना हीरोइक दिखा रहा है, मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बैटल एंड कर दूंगा। डिसेंट लूट, ऑब्वियसली लूट में कोई शक नहीं है। तो चलो गाइस, अब कुछ अपग्रेड्स करेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपने जो कुछ और मेरे पास बोनस वगैरह था उसे मैंने कलेक्ट कर लिया और ऑलमोस्ट हम फुल हो चुके हैं एलेक्सर में, ठीक है, जो कि अच्छी बात है मेरे लिए। तो सबसे पहले लैब, और लैब में मैंने पहले सोच रखा है कि मैं क्या अपग्रेड करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मेरे को फ्रीज़ पर अपग्रेड करना है, क्योंकि फ्रीज़ के वजह से आप बोल रहे, मेरे को पता है बहुत लोग बोल रहे हैं भाई आप फ्रीज़ यूज़ नहीं कर रहे हो, एक आधा फ्रीज़ यूज़ किया करो, तो उसी लिए मैं अपग्रेड कर रहा हूँ फ्रीज़ को, क्योंकि एक या फिर दो लेवल का फ्रीज़ कुछ काम का नहीं है। एटलीस्ट मेरे को 5 लेवल का फ्रीज़ चाहिए, वैसे TS10 में 5 लेवल का फ्रीज़ होता है, बट मेरे को 5 लेवल का फ्रीज़ जल्द से जल्द करना है। यहाँ पर 4.5 दिन का अपग्रेड है, अच्छी बात है, 4.5 दिन आराम से बिजी रहेंगे। अब मैं डिफेंस क्या अपग्रेड करूँ सोच रहा हूँ। आपको पता होगा मैंने पहले बताया था कि ये जो कुछ कैनन्स थे मेरे 11 लेवल में पड़े हुए हैं, इनको पहले मेरे को अपग्रेड करना है, डेफिनेटली इनको अपग्रेड करना चाहिए मेरे को। तो ओके यार, गलत टैप हो गया, चलो एक अपग्रेड पर मैंने डाल दिया है और अभी भी मेरे पास डिसेंट गोल्ड और डिसेंट एलिक्सिर है। बट एक और मैं अपग्रेड नहीं कर सकता क्योंकि 45 लाख का अपग्रेड है। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ ट्रैप्स हैं मेरे पास, जैसे कि ये स्केलेटन ट्रैप जो है उसको अपग्रेड पर डाल देता हूँ, 1 दिन का अपग्रेड है, छोटा अपग्रेड है, बहुत जल्द हो जाएगा और नए एपिसोड जो है वो भी हम जल्द ला पाएंगे। तो ये एक दिन का अपग्रेड लग गया यहाँ पे, और अभी भी हमारे पास डिसेंट एलिक्सिर है, तो एलिक्सिर की मदद से अगर हम कुछ कर पाए तो वो अच्छी बात होगी। पहले सर्च करता हूँ कि एलिक्सिर से हम क्या कर सकते हैं। आई गेस ये गोल्ड माइन जो है मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ, 6 दिन का अपग्रेड, ये भी डिसेंट अपग्रेड है, मैं इसे डाल दूंगा। और अभी भी हमारे पास ढेरों बिल्डर्स फ्री हैं, एटलीस्ट 2 बिल्डर्स फ्री हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा और लूट है मेरे पास जिसे मैं कलेक्ट कर लूँगा, ना के बराबर था बट फिर भी चलो ठीक है। एक बिल्डर और मैं बिजी करवाऊंगा, एक बिल्डर मैं फ्री रखूंगा। ओके, हो सकता है कि मेरे पास रिसोर्स वगैरह बाद में आ जाए, तो तब कुछ एक बड़ा अपग्रेड लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक और माइन मैंने अपग्रेड लगा दिया। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले ये जो 1-2 दिन है, इस 2 दिन में मैं और फार्म करूँ और एक और कैनन ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाले को मैं अपग्रेड पे लगा दूँ। एटलीस्ट मैं सारे कैनन्स को पहले लेवल 12 का करना चाहता हूँ, उसके बाद और मूव करेंगे, ठीक है। सो गाइज, आज की वाली वीडियो में यही था, होप यू को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना कि आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या और नई चीज़ें देखना चाहते हो। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद।